अमित शाह की पूर्व सेना अध्यक्ष से मुलाकात हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दलवीर सुहाग से, अमित शाह बीजेपी अध्यक्ष ने मुलाकात की है। अमित शाह की पूर्व सेना अध्यक्ष से मुलाकात हुई है और ये मुलाकात के मायने कई सारे हैं। दलवीर सुहाग जो कि पूर्व थल सेना अध्यक्ष रह चुके हैं, उनसे मुलाकात की है। देश की समस्याओं और आम मुद्दों पर यह चर्चा की गई है। सरकार के 4 साल के कार्यकाल की बुकलेट भेंट की है। बीजेपी के संपर्क फॉर समर्थन अभियान के तहत ये पहली मुलाकात है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी अध्यक्ष दलवीर सुहाग से मुलाकात की है, माफ कीजिएगा, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने दलवीर सुहाग से मुलाकात की है जो कि पूर्व थल सेना अध्यक्ष है। और कई बिंदुओं को लेकर ये मुलाकात हुई है। बीजेपी के संपर्क फॉर समर्थन अभियान के तहत ये मुलाकात हुई है। तो अमित शाह ने दलवीर सुहाग से मुलाकात की है, पूर्व सेना अध्यक्ष दलवीर सुहाग से मुलाकात की बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने। बीजेपी के संपर्क फॉर समर्थन, ये एक अभियान बीजेपी के द्वारा चलाया जा रहा है और इस अभियान के तहत ही ये पहली मुलाकात हुई है। इस दौरान अमित शाह ने सरकार के 4 साल के कार्यकाल की बुकलेट भी दलवीर सुहाग को भेंट की। तस्वीर आप देख पा रहे हैं, अमित शाह और दलवीर सुहाग की मुलाकात की तस्वीरें सामने आई हैं। ये बुकलेट भेंट की गई है, पिछले 4 साल में मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान क्या कुछ सरकार के द्वारा फैसले लिए गए, कितना असर हुआ, कितना फ़ायदा हुआ, इसको लेकर एक बुकलेट भी भाजपा की तरफ से जारी की गई है। और इसी बुकलेट को लेकर अमित शाह ने दलवीर सुहाग से मुलाकात की, इस बुकलेट को दी और तमाम बिंदुओं पर चर्चा भी की गई। आपको बता दें कि देश की समस्याओं और आम मुद्दों को लेकर अमित शाह और दलवीर सुहाग के बीच मुलाकात हुई। बीजेपी के संपर्क फॉर समर्थन अभियान के तहत ये पहली मुलाकात है। इसके बाद आगे की मुलाकात का भी पूरा कार्यक्रम तय हुआ है, कई अन्य लोगों से मुलाकात भी होगी। संपर्क फॉर समर्थन अभियान के तहत ये मुलाकात है। तो बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पूर्व सेना अध्यक्ष दलवीर सुहाग से मुलाकात की है। ललित कांडपाल हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। ललित, ये मुलाकात हुई, मुलाकात में क्या बात हुई? देखिए, इस मुलाकात में ऑफिशियली क्या बात हुई ये तो किसी ने नहीं बताया, लेकिन जो दलवीर सुहाग ने कहा मीडिया से बाद में, उन्होंने कहा कि मैं एक फौजी परिवार से आता हूँ, एक किसान परिवार से आता हूँ, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आज उसी विषय में बात हुई और काफी सारे विषयों पर बात हुई, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं गाँव का रहने वाला हूँ, हरियाणा के झज्जर के रहने वाले हैं रिटायर्ड जनरल दलवीर सुहाग। तो ऐसे में उनसे उन्होंने केवल यही कहा कि मेरी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से इसी परिप्रेक्ष्य में बात हुई थी कि आर्मी का बैकग्राउंड वगैरह इस तरह से बात की। लेकिन ये जो माना जा रहा है कि ये दरअसल ये एक तरह का सही पर्पज नहीं है मिलने का, इसके पीछे और जिस जो बीजेपी की तरफ से जो मैसेज दिया गया है वो जनरल दलवीर सुहाग को मोदी सरकार की 4 साल की उपलब्धियों के बारे में बताने के बारे में, यानी कि एक तरह से जो कार्यकर्ता जो वो जोड़ने को लेकर, तो इसी सिलसिले में मुलाकात की है। लेकिन इस मुलाकात के कई मायने निकल के सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में अभी एग्जैक्टली क्या होगा, हो सकता है कि थोड़ी देर बाद बीजेपी की तरफ से कोई इस पर बयान आए, लेकिन फिलहाल अभी तक यही मानकर चला जा रहा है कि जो असली वजह है वो तो सामने नहीं आई है, लेकिन जो बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव को मद्देनजर जो है मिलने मिलाने का जो कार्यक्रम होता है कार्यकर्ता स्तर पर, तो बुद्धिजीवी लोगों से मिलने का बीजेपी ने कार्यक्रम शुरू किया है, उसी सिलसिले में आज मेजर जनरल दलवीर सुहाग से उनकी मुलाकात हुई है। बिल्कुल, तो क्या माना जाए कि ये जो पहली मुलाकात हुई है अमित, अलग अलग बड़े लोगों का संपर्क करने का ये अभियान है और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के 50 लाख चुने हुए कार्यकर्ता हर घर में जाने का भी एक प्रयास करेंगे। इसका उद्देश्य है 4 साल तक जिस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार चली है और 4 साल में देश के जीवन के हर क्षेत्र को इस सरकार ने ऊपर उठाने का प्रयास किया है और अनगिनत इस प्रकार के इनिशिएटिव्स लिए हैं जिसका देश लंबे समय से राह देख रहा था। विशेषकर
ग्रामीण जीवन में से असुविधाओं को समाप्त करना और गांव को टूटता हुआ बचाना, गरीबों के जीवन के जीवन स्तर को ऊपर उठाना, ये दो क्षेत्र में बहुत बड़ा काम हुआ है और आने वाले पांचवें साल में लागत से ज्यादा 1.5 गुना समर्थन मूल्य देकर किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने का इस सरकार का लक्ष्य है और 50 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का बीमा देकर उनकी स्वास्थ्य की सुविधाओं से चिंताओं से उनको मुक्त कराने का लक्ष्य है। ये दोनों लक्ष्य लेकर नरेंद्र मोदी सरकार चली है। ये 4 साल में दुनिया में देश के गौरव को आजादी के बाद की सबसे ऊंची सतह पर ले जाने का काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है और इस सारी बातों का एक डॉक्यूमेंटेशन किया हुआ पुस्तक, एक पेन ड्राइव और लिटरेचर लेकर सभी कार्यकर्ता जाएंगे। आज सुबह मैं जनरल सुहाग के वहां गया था और अभी हमारे जाने माने संविधान विशेषज्ञ कश्यप जी के घर पर आया हूँ। कश्यप जी को भी मैंने सारा साहित्य दिया है और हमारी सरकार के काम से उनको परिचित कराने का मैंने काम किया है। आज ये लोक संपर्क अभियान की शुरुआत हुई है, देश के हर घर तक भारतीय जनता पार्टी पहुंचे, ये हमारा प्रयास रहेगा। कश्यप जी, बात है, बड़े बड़े लोगों से अध्यक्ष मिल रहे हैं, बीजेपी की स्ट्रेटजी है, मुझे कुछ नहीं कहना है। सर, आपने किताब भेंट की, सर अमित शाह जी को किताब भेंट की, कौन कौन सी किताबें भेंट की है सर? ये मेरा सौभाग्य है, गायत्री मंत्र पर, रामचरितमानस पर और संविधान पर कुछ पुस्तकें मैंने भेंट की। सुभाष जी, जो काम आपको उन पुस्तकों के जरिए अमित जी ने बताए होंगे, उसमें से मोदी सरकार का कौन सा काम या योजना आपको सबसे ज़्यादा आपके मन को भाई है? बहुत सारी योजनाएं हैं जो बहुत मन को भाई हैं, बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ होना बाकी है और हो रहा है। जैसे योजना, मुद्रा योजना या कौन सी कोई एक? तो शाह साहब ने जो कह दिया उसके बाद कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है आज की वार्ता के बारे में। कश्यप जी, आप भविष्य में कभी राजनीति में आएंगे? चलिए, नहीं, राजनीति जिसको आप कहते हैं उस राजनीति में मैं नहीं आने का कोई विचार है। राजनीति शास्त्र, राजनीति के ज्ञान के बारे में बात करें तो मैं राजनीति का विद्यार्थी एक हूँ और रहूँगा। धन्यवाद भैया। आपने सुभाष कश्यप जी से मुलाकात के बाद अमित शाह ने जो कहा, सुभाष कश्यप ने जो कहा, ये कहीं ना कहीं बीजेपी की एक स्ट्रेटजी है और बीजेपी अब चुनावी मोड में पूरी तरह से आ गई है। ललित, सुन पा रहे हैं आप? बीजेपी चुनावी मोड में फुल तरीके से आ गई है और जैसा कि आज अमित शाह ने कहा और जैसा कि मैं आपको पहले भी कह रहा था कि पार्टी ऑफिशियली तौर पर ये कह रही है कि वो ये लोक संपर्क अभियान जो चालू किया है, जो शुरू करने जा रही है, उसी के कड़ी का ये हिस्सा है और सुभाष कश्यप से भी उन्होंने मुलाकात कर ली है और उसके बाद वो अभी उनसे मिल के आए हैं। तो इसके बाद अब ये जो कार्यक्रम है ये गाँव स्तर तक जाना है और बीजेपी की कोशिश यही है कि जो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिस तरह की कोशिश हो रही है उस कोशिश में हर घर तक पहुंचा जाए। ललित, लेकिन चूंकि मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा आपको, इंटेलेक्चुअल क्लास को यहां पर अध्यक्ष ने कोशिश की है कि बताने के लिए कि 4 साल में क्या कुछ हुआ है। दलवीर सुहाग से मुलाकात की, सुभाष कश्यप से मुलाकात की, आगे लिस्ट और भी लंबी हो सकती है। तो वो क्लास जो कि सरकार की नीतियों की समीक्षा करता है कि सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, उससे डायरेक्ट जाके मिलना, सरकार के बारे में बताना, ये एक बहुत बड़ा प्लान हो सकता है। देखिए, चलिए संपर्क करने की कोशिश करेंगे। ललित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अमित शाह ने संपर्क अभियान की शुरुआत कर दी है लोक संपर्क अभियान के तहत। दलवीर सुहाग से पहले मुलाकात हुई, उसके बाद सुभाष कश्यप से।